हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना। तो ये देखिए, ये इसका मेन फैब्रिक है, ये अस्तर है। तो इस तरह से ब्लाउज आपके पास होगा तो आप इसको कैसे कटिंग करें, तो ये देख सकते हैं। ये हमारा आगे पीछे पल्ला में आएगा और ये हमारा बाजू में आएगा। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ, आपका जितना मेजरमेंट होगा उतना लीजिएगा। इस मेन फैब्रिक को साइड करूंगी, अस्तर पर ही कटिंग करूंगी मैं। बारीकी तरीके से हर एक चीज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग देखिए और सीखिए कि कैसे बनाते हैं। तो इसको हम अस्तर पर ही कटिंग करेंगे। तो पहले इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। ब्लाउज का लंबाई होगा 13 इंची, सीना होगा 32 इंची, कमर होगा इसका 28 इंची, आगे का गला 6 इंची पर होगा, पीछे का गला होगा 9 इंची पर, बाजू का लंबाई होगा 9 इंची, गोलाई होगा 10 इंची। और तो चलिए हम इसको कैसे बिल्कुल परफेक्ट तरीका से बनाते हैं, इसको हम खोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज का पीस खुल चुका है अस्तर, और इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। जब भी हम फोल्ड करेंगे तो आप लोग देखते होइएगा कि इस तरह से हम फोल्ड करते हैं। ये हमारा कोर है, ये हमारा कटिंग है। तो इसको हम यहाँ से खोल देंगे, पहले हम इसका लंबाई निकालेंगे। तो मेरा ब्लाउज का लंबाई है यहाँ पर 13 इंची, तो यहाँ पर आ गया, और 1 इंची हमारा सिलाई मार्जिन, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आते हैं इसका सीना। सीना इसका 32 इंची है, तो 1/4 लेंगे 8 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे, और 2 इंची सिलाई मार्जिन। आपका जितना होगा मेजरमेंट उतना लीजिएगा। 36 होगा तो 9 लीजिएगा, 40 होगा तो 10 लीजिएगा। इसी के अनुसार आपका जितना भी होगा उतना लीजिएगा। यहाँ से हमारा ब्लाउज फोल्ड फोल्ड में फोल्ड हो चुका है। यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। आपका कटिंग अच्छा होगा तो स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, कटिंग खराब होगा तो स्टिचिंग बिल्कुल खराब ही होगा। तो पहले आप कटिंग करना देखिए कि कैसे परफेक्ट तरीका से कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका तनिक भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। यहाँ से हम इसको पल्ले को ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, लंबा भी ये देख सकते हैं ऐसे। अब इसको हम सीधा करके यहाँ से फोल्ड कर देंगे। जब भी हम फोल्ड करेंगे तो हमारा आगे का पल्ला 1 इंची बड़ा होगा, पीछे के पल्ला 1 इंची छोटा होगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पर फिटिंग का। इसका सीना है 32 इंच, तो 1/4 लेंगे यहाँ पर 8 इंच, यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 8 इंची। इस निशान को यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। ये हमारा फिटिंग का हो गया, ये हमारा 2 इंची सिलाई मार्जिन हो गया। अब यहाँ से आते हैं इसका तीरा। इसका तीरा लेना है 5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसका आर्म होल लेंगे 5.25 इंची, क्योंकि इसका सीना कम है तो इसके लिए काखी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा आर्म होल को। इधर भी लेंगे 5.25 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ से हमारा आगे पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 इंची पर गोलाई दूंगी। यहाँ से इसको ऐसे लाएंगे। अब यहाँ से आते हैं गला। गला हम बनाएंगे यहाँ से ऐसे करके 2 इंची पर, तो 2 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम आगे का गला बनाएंगे 6 इंची पर, तो 6 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से इसको ऐसे निशान लगाएंगे। पीछे का गला हम बनाएंगे यहाँ से 9 इंची पर, 9 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 2 इंची लिया है, तो नीचे भी हम यहाँ से ऐसे करके 2 इंची पर ही एक बॉक्स बना देंगे। इसी के अंदर हमारा जो भी डिजाइन बनाना होगा वो डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके यहाँ से हाफ कर देंगे। जितना ये हमारा पार्ट आ रहा है उसका हम हाफ कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे लाना है, और इसका टेकिंग का लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंची। 4 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। ये देख सकते हैं गला को हम यहाँ से ऐसे करके लेंगे 2 इंची। 2 इंची यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो यहाँ निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1 इंची हम इधर बढ़ा देंगे। तो हमको ऐसे करके निशान लगाना है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लाना है,
और यहाँ से हमको ऐसे करके लाना है। ऐसे करके हमारा ये पीछे का गला बनेगा। तो इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। तो पूरा निशान लग चुका है, इसी पर से हमारा कटिंग होगा। अब ये देखिए, यहाँ से हम आगे पीछे का पल्ला अलग कर देंगे। इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। और ये देखिए, ये पीछे का पल्ला का डिजाइनिंग गला बनेगा। तो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। निशान हमने बिल्कुल लगा दिया है। अब यहाँ से आते हैं हम इसका फिटिंग का 1/4 8 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे, यहाँ से ऐसे। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा आगे का गला बनेगा 2 इंची पर। तो इसको हम यहाँ से उगा देंगे 2 इंची। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा गला का डिजाइन यहाँ से ऐसे करके उगाएंगे। यहाँ पर हमारा 6 इंची पर निशान उगा हुआ है, इसी पर हमारा बनेगा। और यहाँ से हमारा काठी का थोड़ा सा और कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको यहाँ से लाएंगे ऐसे करके 9.5 इंची। 9.5 इंची पर हमारा तीरा से लाएंगे ऐसे करके। अब यहाँ से 1 इंची हम नीचे निशान यहाँ पर लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे 1 इंची पर यहाँ से ऐसे, और इधर भी लाएंगे 1 इंची यहाँ पर, और इधर भी 1 इंची पर। तो ये चारों निशान हमारा लग चुका है, इसी से हमारा टेकिंग बनेगा। यहाँ इस पर ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमारा हो चुका है। ये आगे के पल्ले में हम 1/2 इंची इधर टेकिंग देंगे, 1/2 इंची इधर, 1 इंची पर बनेगा। और ये वाला टेकिंग हमारा बिल्कुल 1/2 इंची पर ही बनेगा ऐसे करके, और इसको भी यहाँ से ऐसे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा निशान लग चुका है। हमारा ऐसे करके हम इसको सेम निशान उगाने के लिए यहाँ पर एक कट का निशान उगा देंगे, और यहाँ पर भी एक कट का, ताकि हमारा ये बीच का सेंटर हो जाएगा। जब ये हम फोल्ड करेंगे तो हमारा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इस कपड़े को हम यहाँ से ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हम इसको ऐसे करके बराबर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लगेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे। इस पर हल्का हल्का उग गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। तो ये हमारा कट यहाँ तक है, यहाँ हमारा बीच का सेंटर है। तो यहाँ तक हो गया हमारा आगे पीछे का पल्ला। अब इसको हम बाजू कैसे कटिंग करें, तो ये देख सकते हैं, यहाँ से हम इसका बाजू का गोलाई नापेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 8 इंची। 8 का डबल करेंगे तो हमारा 16 इंची का बाजू का गोलाई होगा। तो इसको हम कपड़ा को फोल्ड में फोल्ड कर देंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से आते हैं, 1 इंची हम लेंगे सिलाई या तुरपाई के लिए, यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम बाजू का लंबाई लेंगे, यहाँ से ऐसे करके 8 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे, और इधर भी लगाएंगे 8 इंची। इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम इसका शेप बनाएंगे 3 इंची का। अब यहाँ से ऐसे करके 2.25 इंची बिल्कुल सीधा ले जाना है। और उसके बाद हमको यहाँ से थोड़ा सा डाउन करते जाना है, यहाँ से ऐसे 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 करके। अब यहाँ से हम बाजू का गोलाई नापेंगे 8 इंची। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा आ रहा है 8 इंची यहाँ पर, और बाजू का गोलाई लेंगे 5 इंची। तो यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको सीधा कर देंगे। तो इस निशान से हमारा पूरा निशान हो जाएगा, इसी पर हमारा कटिंग होगा। ये देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लगता है कि बाजू में कम होगा कपड़ा,
अगर कभी कभी बाय चांस कम हो जाता है तो इस कपड़े को हम यहाँ से ऐसे करके निकाल देंगे और इसको हम जितना हम आधा इंची दबाएंगे उसको अंदर रख देंगे और यहाँ से हमारा बाजू का शेप होना शुरू होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और ऐसे करके शेप मिला देंगे तो ये हमारा काफी से फैल जाएगा, लेकिन मुझे इसमें नहीं लगेगा। लेकिन मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि अगर आपको कम पड़े तो इस ये वाला टुकड़ा लगा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा चार पीस में निकला है तो ये हमारा चारों दोनों बाजू में दोनों तरफ से लगाएंगे तो ये हमारा चार पीस हो जाएगा, तो हमारा कम नहीं होगा। अगर बाई चांस आपको कम लगे तब, नहीं तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये हमारा बीच का सेंटर है, यहाँ से एक इंची छोड़ते हुए यहाँ से हम इसको ऐसे गोलाई में आधा इंची कपड़ा हम इसको कटिंग कर देंगे। ये कटिंग वाला पार्ट हमारा आगे पल्ले में जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम बीच सेंटर पर एक कट का निशान लगा देंगे ताकि ये कटिंग वाला पार्ट हमारा बीच तीरा पर आए, और एक कट हम यहाँ पर भी लगाएंगे ताकि हम इसको आगे के पल्ले में जोड़ें। तो ये बाजू भी हमारा कट वाला डिजाइन बनेगा, तो आपको देखना होगा इसका स्टिचिंग का, बाजू का, गला का, तो अगली वीडियो में देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।